देयर फ्यू नोटोरियस किड्स जिनके साथ वो खेलने के लिए जाता है कि जिस तरह की रुचियां वो रखता है किचन में ज़्यादा काम करना, तो पिता को ऐसा लगता है कि बेटा जो है बहनों को देख देख के लड़कियों जैसा होता जा रहा है. सो ही मेक्स इट अ पॉइंट कि वो बच्चों लड़कों के साथ जाए खेले. एंड इन दिस ही इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी जो माँ है जो बहुत प्यार करती है वो भी उनको सुना देती है कि बॉयज डोंट प्ले विद सॉफ्ट टॉयज एंड यू नो विद डॉल्स. कुछ मर्दों वाले और भी तुम्हारे पापा ठीक बोलते हैं. इन दैट प्रेशर ही कम जिया वे आर बॉयज इंस्टिगेट कि लेट्स जंप फ्रॉम हियर. जो कूदेगा वो मर्द है एंड यू नो इन दैट ही जंप्स फ्रॉम हियर. मैं मुझे तो मालूम नहीं है सारी चीज़ों की, तो मैं बाद में लेकर उसके कज़न को लेकर आया एंड आस्किंग हिम कि व्हेन ही जंप यू आर देयर व्हाई डिडंट यू स्टॉप. सो इसे कि आप ही तो बोलते हैं कि जो मर्द होते हैं वो डरते नहीं हैं, तो मैं बोलता तू मर्द है ना, देन यू जंप जंप एंड शो मी व्हेयर ही जंप्स एंड दैट्स समवेयर डाउन द लाइन इट्स अ शॉकिंग फॉर अ फादर हु आर दिस बॉय हु इज लाइक माय ब्रदर्स सन ही इज ऑल राइट एंड माय सन इज ही गोज इन कोमा. So he's slightly in a shock. What's wrong with my boy? Ki another boy does it. He's absolutely all right. And my boy does it. He goes. So he's extra sensitive that way. नहीं नहीं मैं तो अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ. डांट सिर्फ गलत चीज़ों पे ही खाता है. मैं तो कभी उनको ऐसी किसी चीज़ पे तो नहीं डांटता हूँ. बेचारे बाकी लोग डांट खा जाते हैं लेकिन so he is extra loved that way from my side. आज मम्मी ने मुझे बहुत डांटा और मम्मी के डांटने के बाद मैं मेरे दिमाग में वही चल रहा है. फर्स्ट टाइम मम्मी ने इतना डांटा इतना डांटा इतना डांटा तो अंदर मैं मम्मी का लाडला हूँ ना, तो बहुत वैसा लग रहा था कि यार अब मम्मी ने डांट दिया, पूरा मूड ख़राब हो गया. देन फिर मेरे दोस्त आज प्लान कर रहे थे कहीं बाहर जाते हैं खाई के पास, तो हम लोग खाई के पास आ गए और मैं अपने सोच में पड़ा हुआ और दोस्त तो बोल रहे हैं वाह यार कितना अच्छा है कितना अच्छा है, और मैं अपने सोच में. तो उतने में टीचर्स कहता है कि जा कूद जा, तो ऐसे सब लोग सब लोग सब लोग करते जाते हैं और मैं खाई में कूद जाता हूँ. तो खाई में कूदने के बाद मैं बहुत बड़ा सीक्वेंस है जो मैं आपको नहीं बता सकता, उसके लिए आपको देखते रहना चाहिए रूपमर्द का नया स्वरूप. मेरे फ्रेंड्स के पास उन्होंने मुझे इसलिए भेजा था ताकि मैं थोड़ा स्ट्रांग बनूँ, थोड़ा बोल्ड बनूँ, के साथ मैं खेलूँ कूदूँ लड़कों वाले काम करूँ इसलिए. तो पापा का जो सीक्वेंस मुझे पता नहीं, हाँ पर पापा रणवीर को लेके आते हैं. अब रणवीर के साथ में वो क्या करने वाले हैं, चोट लगी है गिरने के बाद में, यहाँ लगी थी पर अभी मिटा दिया पूरा, यहाँ लगी थी बहुत, मतलब मैंने अभी कितने टिश्यूज वेस्ट किए पूरा पोछा मैंने अभी, देखो थोड़ा सा तो है, ये तो नहीं है ये तो अभी लगी असली वाली, ये असली वाली लगी है, पैरों पे भी असली वाली लगी है, यहाँ मैं हार्नेस पहनने से ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता. हाँ तो पापा तो मुझ पर नहीं दोस्तों पे गुस्सा हो गया, दोस्तों ने सब करवाया और रणवीर ने सब कुछ खोल दिया, उसे भी क्यों खोलना चाहिए.